चीज़ के बारे में पता होता कि अगर कुछ ऐसा हो सकता था, अगर बीपी की वजह से कोई दिक्कत आ सकती, कुछ किडनी वगैरह पर, तो मैं फिर थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहता। फिर वो मैं रेगुलर सारी चीज़ों की चेकअप करता और कोशिश करता जो टाइम टू टाइम दवाई लेना। तो सर मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बीपी की वजह से कभी किडनी पर कुछ ऐसा आता। बिल्कुल। और आप अकेले नहीं हैं, इंडिया में करोड़ों लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मुझे नहीं लगता कि 95% लोगों को पता है कि इससे किडनी खराब हो सकती है। लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, बट कभी कोई सोचता नहीं है कि किडनी भी खराब हो सकती है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। हाँ, अभी मेरी उम्र 38 है। ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि आप डायलिसिस पे हैं और आपका फिस्टुला है? हाँ जी सर, फिस्टुला है। कितने साल से हैं आप डायलिसिस पे? सर 5 साल हो गए। और क्या बीमारी थी आपको कि आपको किडनी की बीमारी हुई? कैसे पता चला आपको? बीपी की दिक्कत थी कि दवाइयाँ मेरी चल रही थी 7-8 साल से लगातार। हाँ जी। और इसकी वजह से भी फिर मेरे को किडनी की दिक्कत हुई और बीपी के अलावा फिर और कोई ऐसी दिक्कत होती है। सडनली फिर मतलब लॉकडाउन से पहले मेरे पैर हाथ में सूजन आ गया, तो टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि किडनी डैमेज है और काफ़ी डैमेज था, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मतलब मेरी किडनी खराब है। तो आप ब्लड प्रेशर से जब किडनी की बीमारी होती है तो ये तभी होता है जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो। आप दवाइयाँ ले रहे थे ब्लड प्रेशर की, मेजर कर रहे थे अपना ब्लड प्रेशर घर पे या हॉस्पिटल में? तो दवाइयाँ ले रहा था अपने ब्लड प्रेशर की, लेकिन जो मेजर करना होता है वो फिर इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे जॉब की वजह से, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं देख पाया कभी। हाँ जी। और कभी डॉक्टर के पास जाना होता था तो वो जब बीपी चेक करते थे तो वो हमेशा हाई बताते थे, तो जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी टाइम तक मतलब 8-10 साल तक मुझे लेना पड़ा बीपी की दवाई। हाँ जी। यही था कि मैं मेजर नहीं कर पाया कभी, इस चीज़ को टाइम नहीं मिल पाया। तो आप काम में काफ़ी बिजी थे एंड आपको लगा कि आपके हिसाब से ब्लड प्रेशर ठीक है, बट रीडिंग्स थोड़ी हाई आ रही थी जब आप चेक करवा रहे थे? हाँ, जब मैं चेक करवा रहा था रीडिंग्स हाई आ रही थी, बाकी काम में बिजी रहा मैं काफ़ी टाइम, तो नहीं ले पाता बस कभी। हाँ जी, ठीक है। तो फिर ये 5 साल हो गए आपको डायलिसिस पे, जैसे आपने कहा। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस वक्त कि आपको डायलिसिस शुरू करने की जरूरत पड़ी? पर उसमें दिक्कत ये आई थी जब मैं सडनली बीमार हुआ तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल फूल गए थे। हाँ जी। और मुझे चक्कर आने लग गया था, उल्टी थी, जी मचलने लग गया था। हाँ जी। कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था, मतलब बिल्कुल एकदम अलग से ही हो गया था, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी सर शरीर के अंदर बिल्कुल भी। ठीक है। फिर आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने आपका ब्लड टेस्ट किया? हाँ जी, फिर ब्लड टेस्ट किया तो उसके बाद पता चला कि मतलब ब्लड रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मतलब किडनी में प्रॉब्लम है। हाँ जी। उसी वजह से ये सारी दिक्कत हुई है। और आपका क्रिएटिनिन क्या था उस वक्त या यूरिया क्या था उस वक्त? सर उसमें क्रिएटिनिन मेरा 22 के आसपास था। तो आपने फिर इमीडिएटली फिस्टुला बनवाया या पहले लाइन भी लगी थी आपके गर्दन में? सर पहले गले में लाइन लगी और उसके 1-1.5 महीने बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर गया तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि फिस्टुला बनेगा। हाँ जी। मैंने फिस्टुला बनवाया। ठीक है। और काफी टाइम तक फिर वो गले में लाइन थी तो लाइन से ही मतलब डायलिसिस चल रही थी। तो जब आपको पता चला कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अब कई पेशेंट से जब मैं बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा हाई बीपी है, कई लोगों का होता है, मैं बट वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी किडनी खराब हो जाएगी इसकी वजह से। आपको भी ऐसा लगा था उस टाइम पे जब आपको पता चला कि आपका ब्लड प्रेशर हाई था? हाँ सर, कभी मैंने इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब किडनी वगैरह पे कुछ इफेक्ट होगा। हाँ जी। और अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो कभी इस पर किडनी के ऊपर भी इसका असर आ सकता है, तो ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में ना कभी। हाँ जी। किसी ने मुझे मतलब गाइड किया कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा जी। यही इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि किडनी की बीमारी ऐसी है कि एक बार हो जाए तो प्रोग्रेसिव है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है एंड स्टेज में। बट बिगिनिंग में जब स्टेज 1 या स्टेज 2 होता है तब किडनी की बीमारी रिवर्स हो सकती है अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर को कंट्रोल रखें। आपको शुगर की भी बीमारी थी? नहीं, शुगर की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही अभी भी नहीं है। हाँ जी। मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी, पर इसके अलावा कुछ ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपने डायलिसिस शुरू करी। शुरू में कई पेशेंट्स को डर लगता है डायलिसिस सुन के, आपको कैसा लग रहा था जब डॉक्टर ने बोला कि आपको डायलिसिस करने की जरूरत है? तो शुरू में जब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी तो मैं घबरा गया था। मैंने सिर्फ सुना था इस चीज़ के बारे में, मेरे किसी रिलेटिव के थे इस चीज़ की दिक्कत, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उनका चला इस चीज़ का, तो मैं सुन के सिर्फ घबरा जाता था कि कुछ ऐसा ब्लड शरीर से बाहर निकलता है फिर उसको साफ करते हैं तो मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब वो सर किस तरीके से होता है। तो सुनने के बाद थोड़ा सा एक डर तो था अंदर, लेकिन फिर डॉक्टर ने समझाया, फिर पेरेंट्स ने समझाया, घर वालों ने समझाया, मतलब सबने जब समझाया तो फिर थोड़ा सा मतलब दिमाग शांत हुआ, माइंड कूल हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें पता है कि सर अब ऑप्शन यही है लास्ट टाइम पे, तो फिर आगे तो सोच नहीं सकते। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली इंटरनेट पे, कोई वीडियोस देखी आपने जब शुरू करने वाले थे डायलिसिस की ये होता क्या है, करता कैसे है? नहीं सर, उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा इंटरनेट वगैरह पे कुछ ऐसा सर्च नहीं किया था। बस मेरे एक रिलेटिव में थे तो मैं उनके बारे में सुनता था, तो मैंने उनसे ही बात की थी, तो उन्होंने मुझे समझाया था, जो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मली होता है। एक फिस्टुला का जिक्र उन्होंने मेरे को बता दिया था। फिर तो मैं जैसे गले में लाइन डाला तो उसके लिए भी उन्होंने बताया था कि पहले आपको लाइन डालेगा तो यही होता है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आराम से मतलब हो जाता है डायलिसिस जी। इंटरनेट वगैरह पे मैंने कुछ ऐसा सर्च नहीं किया था। और आपको कैसा लगता है अब डायलिसिस के बाद? अब आप हफ्ते में 3 बार करा रहे हैं? हाँ सर, इस समय मेरा हफ्ते में 3 बार हो रहा है। हाँ जी। और डायलिसिस के बाद ठीक है सर, लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब कोई तरह की कोई परेशानी नहीं, और बहुत बढ़िया खाने पीने में भी हर चीज खा सकता हूँ, जो परहेज है सर वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभार अगर हम कभी होता है जिम में चलता है कि कुछ खा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है सब कुछ ठीक ठाक। और मैं भी वर्किंग भी कर रहा हूँ इसके डायलिसिस के बाद भी। तो जिस दिन आप डायलिसिस नहीं कराते वो आपका दिन नॉर्मली जाता है, आप बाहर जाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं? हाँ सर बिल्कुल, वो सब कुछ करता है, एक नॉर्मल इंसान करता है, वो सारी चीजें नॉर्मल हम कर सकते हैं। यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि कई लोगों को लगता है जब वो डायलिसिस शुरू करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमेशा हॉस्पिटल में रहेंगे, बट जैसे आपने डायलिसिस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया है, बट ये इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपनी दूसरी जिंदगी रोक दी है, आप फिर भी बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब डायलिसिस कराना होता है डायलिसिस भी कराते हैं। बिल्कुल सर, और आज मेरे को बाहर भी जाना सर, इसलिए मैंने सुबह अपॉइंटमेंट जल्दी लिया, तो बनाला आज मेरी सुबह की जल्दी लगे ना, शाम को पंजाब भी नहीं जाना। हाँ जी, तो 2-3 दिन वहाँ रहेंगे, तो डायलिसिस करा के जाने के बाद फिर आराम से हम रहने के जो भी अपना आ जाते हैं, फिर घूम फिर वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई काफी यंग एज में हुई, आप कितने 28-29 इयर्स के थे जब आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई? तो मेरे ख्याल से ये 22 या 21 के आसपास में हो गई थी। तो इतनी यंग एज में ब्लड प्रेशर तभी होता है अगर यहाँ पर किसी की फैमिली में रन करता हो ब्लड प्रेशर की बीमारी या कोई और वजह? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे पिताजी को भी था, मेरी माताजी को भी था, जेनेटिक प्रॉब्लम भी था सर। ये डॉक्टर से भी जैसे मैंने पूछा कि सर अभी तो मेरी यंग एज है बिल्कुल, तो अभी तुम्हें कुछ ऐसा मतलब टेंशन भी नहीं है किसी प्रकार का। हाँ जी। तो ऐसा होना क्या मतलब किस वजह से? तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आपके पापा मम्मी को था, मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरे मम्मी को भी और पिताजी को, दोनों जनों को था। तो उन्होंने फिर मुझे ये समझाया कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है जो बीपी हो जाता है। ठीक है, ये उस टाइम पे मुझे डॉक्टरों ने समझाया था। बट अगर आप इफ यू लुक बैक टाइम पे जब आप डायग्नोज हुए थे, अब मुझे पता है आप डायलिसिस पे हो और काफी टाइम हो गया है, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पता होती कि ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल करने से किडनी की बीमारी हो सकती है इस पॉइंट पे कि आपको डायलिसिस कराना होता है, तो आई थिंक आप थोड़े और विजिलेंट होते दवाइयों के बारे में, अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के बारे में, और थोड़ा बेटर कंट्रोल करते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता होता कि अगर कुछ ऐसा हो सकता था, अगर बीपी की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है कुछ किडनी वगैरह पे, तो मैं फिर थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहता, फिर मैं रेगुलर सारी चीज़ों की चेकअप करता और कोशिश करता जो टाइम टू टाइम दवाई लेना है या सारी चीज़ों के लिए मैं कोशिश करता सर उस समय से। क्योंकि सर मुझे उस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि बीपी की वजह से कभी किडनी पे कुछ ऐसा आता है। बिल्कुल, और आप अकेले नहीं है, इंडिया में करोड़ों लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और मुझे नहीं लगता कि 95% लोगों को पता है कि इससे किडनी खराब हो सकती है। लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, बट कभी कोई सोचता नहीं है कि किडनी भी खराब हो सकती है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। हाँ सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्यादातर मेंटली दिमाग में यही रहता है कि हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं लोगों के दिमाग में, ये किडनी के बारे में किसी को पता नहीं होता इस चीज के बारे में। अगर आप किसी को मैसेज देना चाहें जो या फिर अभी ब्लड प्रेशर से जिसको भी पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या अभी कोई जो डायलिसिस शुरू करने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो थोड़ा खुश रहने की कोशिश करे, जितना ज़्यादा हो सके वो खुश रहे, और अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बच्चों के साथ सर वो ज़्यादा खुशी मिलती है, उनकी सारी टेंशनें खत्म हो जाती है, किसी तरह की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अगर हम के साथ अगर सही से रहें तो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसे मैंने बोला ब्लड प्रेशर की बीमारी करोड़ों लोगों को इंडिया में, एंड आपकी बात सुनेंगे तो समझेंगे कि ज़रूरी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, अपने घर पर मशीन लेना, चेक करना और दवाइयों के साथ अलग अलग चीजें भी करना। जैसे आपने बोला आपको आपको आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो कई लोग अपने लिए ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं। सर मैंने ढूंढा, मैं परिवार के साथ बच्चों के साथ रहता हूँ, तो आप पहले से काफी ज्यादा बेहतर फील समझता हूँ अपने आप को। और अब तो बीपी की दिक्कत भी नहीं होती, बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, 120-130 के अराउंड में ही रहता है, इससे ज्यादा। कुछ और बोलना चाहेंगे लोगों को जिनको किडनी की बीमारी है, कोई और मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जिनको भी किडनी की बीमारी है वो थोड़ा हिम्मत बनाए रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारी लाइफ है हम अगर सही से अगर हम इसको जिए और सही से हम केयर करें तो हम काफी अच्छा फील कर सकते हैं और बहुत अच्छे टाइम तक हम सही सलामत रह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और शुरू शुरू में थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन जब चीज़ें समझ आने लगती है तो फिर सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है कि अब ये हमारे लिए ठीक है और हमें इस चीज़ को ही बरकरार रखना और इसको भी सही से ही रखना है, इसमें भी हमें कोई लापरवाही वगैरह नहीं करनी चाहिए।